एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं माही वेव्स। तो आज मैं काफी खुश हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस, जो बड़ौदा की शान है एंड वो काफी फेमस है एंड बहुत अच्छी अच्छी चीजें है उधर की। पुराने जमाने में क्या क्या हुआ था, बहुत सालों पुराना वो पैलेस है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हम लक्ष्मी विलास पैलेस जब हम जाएंगे, उसके बीच में एक काफी प्यारी सी अकोड़ा ब्रिज आती है एंड उधर कलरफुल लाइटनिंग्स होती है। तो कैसे हम लोग डीजे वाली फीलिंग आती है ना, वैसी फीलिंग आती है उधर एंड काफी मजा आएगा उधर। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, जब मतलब अपने मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिज में आ चुके हैं, डांडिया बाजार ब्रिज, अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज, जो काफी प्यारा व्यू आ रहा है इसका। चारों जो लाइटनिंग हो रही है, हम लोग अभी उसके अंदर जाने वाले हैं, अच्छा एक्सपीरियंस लेने वाले। ओके, सो हम पहुंचने वाले थोड़ी देर में बस। एंड उसकी कलर्स काफी ब्यूटीफुल चुने गए, काफी जल्दी जल्दी चेंज भी हो रहे हैं और काफी प्यारा व्यू भी आ रहा है। वो ब्यूटीफुली चेंज हो रहा है और बहुत मजा आ रहा है। मैंने कहा था ना आप लोग को फीलिंग आएगी डिस्को वाली, डीजे वाली, तो वैसी ही फीलिंग आ रही है। पूरी चारों बाजू मस्त कलर के लाइट्स है एंड बहुत प्यारा व्यू भी आ रहा है, मजा आ गया। ओके गाइस, सो ये इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल कवर्ड ब्रिज है एंड बहुत प्यारी सी व्यू है इसको। और इसको ब्रिज को बनने में भी काफी टाइम लगा था, और सोलर पैनल को बनने में ज्यादा टाइम लगा था। इसको एक इवनिंग हैंगआउट के तौर पे डेवलप किया गया है। ब्रिज का ब्रिज है, सोलर पैनल का सोलर पैनल, जिससे कि काफी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। लाइटिंग, प्लांटेशन, वो सबसे एक बहुत हैप्पी एटमॉस्फेयर इवनिंग स्पेंड करने के लिए बन जाती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ माही और आप देख रहे हैं माही वेव्स। तो आज का दिन काफी स्पेशल है क्योंकि लोगों की हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मी विलास पैलेस, जो काफी अमेजिंग प्लेस है एंड मुझे उधर जाना, इसके लिए इतना एक्साइटमेंट हो रहा है क्योंकि फर्स्ट थिंग इज मेरे को हिस्टोरिक प्लेसेस जाना बहुत पसंद है एंड मेरे फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग में मैंने आपको कहा था मेरे को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, मुझे ऐसी कुछ चीजों को नॉलेज लेना भी बहुत पसंद है। सो बस इस चीज के लिए हम लोग जाने वाले हैं अपनी फैमिली के साथ एंड बहुत मजा आने वाला है। सो अगर आप लोगों को पूरा ये डिटेल जाननी है, पूरी मेरी जो मैंने ये व्लॉग लूंगी मैं पूरा लक्ष्मी विलास पैलेस का, तो सबसे पहले आप लोगों को लाइक का बटन दबा देना है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो जल्दी से, और शेयर ट्विटर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो जल्दी से उधर शेयर कर दो। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक आप इंजॉय करो टाइम लैप्स। ओके गाइस, हम इधर पहुंच चुके हैं एंड ये इतनी बड़ी जगह है कि बड़ी सी जगह है, आप देख सकते हो। इधर अभी भी आप बिलीव नहीं करोगे, इधर अभी भी फैमिलीज रहते हैं, अभी भी रॉयल फैमिलीज रहते हैं। एक चीज बताऊंगी जो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, पर उसके लिए आपको मेरे ब्लॉग में बने रहना है। चलो गाइस, इधर अंदर मना है लेकिन एक बार हम बाहर आ जाए तो
हमें अलाउड है। तो ये अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं दोनों कान में। तो ये है रियल फ्रंट गेट ऑफ लक्ष्मी विलास पैलेस। एंड इधर बहुत सारे अलग अलग गार्डन्स है, अलग अलग नेम के गार्डन्स है। ओके गाइस, ये इधर है ना एक ऑडियो का दिया है जिसमें आप सुन सकते हो। इधर हमने इंग्लिश चूज किया है, इधर आप लोग सुन सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। स्टोरीज बताते हैं और कैसे ये बना है, इसके नाम कैसे, सब बताते हैं तो आप सबको पता चलेगा। तो थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जब अगले गाड़ी में चलते हैं। सो हम इधर पहुंचे और ये मोजिस है, इसको मोजिस कहते हैं। अरे महल की सीधा आ गई है तो अच्छा भी लगता है, दिखता है। अंदर हमने स्टोरी जानी कि महाराजा कौन कौन थे, उन लोगों का नाम सब, धीरे 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 सब कहानी जानी, तो अच्छा लगा। एंड बहुत सारे पीकॉक और अभी ये बर्ड्स आ गए, बहुत बड़े बड़े आप देख सकते हो शायद से। ये देखिए पीकॉक, और हमारे बाहर तो ये स्टैग गया, ये स्टैग इधर है। और ये बड़ा सा महल और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इसकी प्रताप सिंह और बहुत सारे महाराजा महारानी, उनकी तलवारें जो क्रोकोडाइल की स्किन से बनती है, लोहार से बनती है, जो आयन होता है, बहुत कुछ जाना हम लोगों ने। और इधर सब लोग आ चुके हैं। एंड ये देखिए पीकॉक उधर है, आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये स्टैचू जैसा है, लेकिन आपको दिखे ऐसा फील नहीं होता ना कि ये रियल है, लेकिन ये रियल है। पूरा फ्री है गाइस, ये लोग पूरा फ्रीली घूम रहे हैं, क्योंकि इधर बिल्कुल भी कुछ भी डरने जैसी चीज़ नहीं है, सब बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। बढ़िया जगह है विजिट करने के लिए, गुजरात की शान है भाई ये तो। गाइस हम लोग लक्ष्मी विलास पैलेस के ये होटल है तो हम उधर आ चुके हैं। लक्ष्मी विलास पैलेस का होटल है, जो इधर जिसको रहना है वो रह सकते हैं, ऐसा बोल रहे। बड़ा है काफ़ी ये भी, बहुत अच्छी रॉयल फीलिंग ही आती है इसमें भी। सो हम अंदर जा रहे हैं, आई थिंक अंदर भी अलाउड नहीं होगा व्लॉगिंग। सो लेट्स सी। ओके गाइस, हम आ चुके हैं श्राइन चर्च एंड यहाँ पे बारिश हो रही है, मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आप देख सकते हैं ये श्राइन चर्च, ये एंट्रेंस है एंड यहाँ से शुरू होता है हमारा श्राइन चर्च। और ये बहुत प्यारा है कि आप लोग इधर आए। ये आप जो देख सकते हो टू मैरी टू जीसस, जीसस लेट्स गो। आई थिंक अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो मैं थोड़ा दिखा सकती हूँ। ये है मदर मैरी, लॉर्ड मदर मैरी, ये है जीसस क्राइस्ट। सो गाइस चलते थोड़ी देर अंदर जाते हैं।
ओके गाइस, हम आ चुके हैं बाहर एंड काफ़ी अच्छा है, हमने तो प्रेयर कर लिया है एंड ये है व्यू, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई वीडियोस, बाय बाय।